सिवान में अपराध का बोलबाला रहा है। वहीं एक बड़ी खबर सिवान से, जहां एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर से सिवान पहुंची। 5 महीने से सिवान जेल में बंद याकूब खान को हिरासत में ले लिया। एनआईए की टीम याकूब खान को लेकर कोर्ट में पहुंची। कोर्ट में पेशी के बाद अपने साथ लेकर जम्मू कश्मीर जाएगी एनआईए की टीम। याकूब खान हत्या और रंगदारी मामले में जेल में बंद था। बशनपुर थाना क्षेत्र के सुखपुरा गांव के सल्लाह इमाम खान का पुत्र याकूब खान है। 3 महीना पूर्व इरफान उर्फ चुन्नू को एनआईए की टीम आतंकी संगठन को हथियार बेचने के आरोप में लेकर गई थी। जम्मू कश्मीर आशंका जताई जा रही है कि उसी मामले में याकूब खान की भी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सिवान से आतंकवादियों के साथ इतना बड़ा कनेक्शन होना बहुत बड़ी बात है, और एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। इसको लेकर जिले में खलबली मची हुई है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो देशद्रोह आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करती है,